सभी दर्शकों को एवं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षार्थियों विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। लोक प्रशासन विभाग से मैं शुभांकर शुक्ला आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। हमारे लोक प्रशासन विभाग के जो लोक प्रशासन विषय का जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, उसमें बीए प्रथम वर्ष एवं एमए प्रथम सेमेस्टर में जो टॉपिक आता है जिसमें कवर होता है लोक प्रशासन के विकास के चरण, यह है टॉपिक। लोक प्रशासन के विकास, लोक प्रशासन का अर्थ और धारणाएँ प्रकृति, जो बीए प्रथम वर्ष में है और एमए प्रथम सेमेस्टर में है और उस सिलेबस के अंतर्गत ही आता है। तो शिक्षार्थियों, आज का जो विषय है लोक प्रशासन के विकास के चरण, इसमें हम बात करेंगे कि लोक प्रशासन जो विषय है एक विषय के रूप में कैसे विकसित हुआ, कब से इसकी शुरुआत हुई और इसकी प्रक्रिया कैसे चली। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ और 18वीं शताब्दी के अंत में प्रकाशित जो विषय विश्वकोश फेडरलिस्ट एक विषय विश्वकोश था, जिसके 72वें परिच्छेद में अमेरिका के प्रथम वित्त मंत्री थे अलेक्जेंडर हैमिल्टन। उन्होंने लोक प्रशासन का अर्थ और क्षेत्र की स्पष्ट व्याख्या करने की कोशिश की। उसके बाद फ्रेंच लेखक चार्ल्स जीन बैनिन ने इस विषय पर थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक प्रथम पुस्तक लिखी। परंतु इस शास्त्र के जनक होने का श्रेय प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक वुड्रो विल्सन को जाता है, जिन्होंने 1887 में प्रकाशित अपने लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में इस शास्त्र के वैज्ञानिक आधार को विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा लोक प्रशासन के इतिहास या विकास को निम्न चरणों में बांटा। और इसको हमारे जितना सिलेबस है उसमें लोक प्रशासन के चरण के रूप में 5 चरणों में विभाजित किया गया, जो इस विषय का विकास हुआ। तो जिसमें पहले चरण की शुरुआत होती है, जो पहला चरण शुरू हुआ वो 1887 से लेकर 1926 ईस्वी तक माना जाता है। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म 1887 में माना जाता है और अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में जो राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक थे वुड्रो विल्सन, उनको जनक के रूप में माना जाता है। और उन्होंने जब अपना वो जो लेख लिखा था स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें उन्होंने ये बात कही कि राजनीति और प्रशासन दो अलग अलग अवधारणाएं हैं, दोनों की व्याख्या करते उन्होंने बताया। एक संविधान का निर्माण सरल होता है जबकि उसमें लिखी गई बातों को लागू करना कठिन होता है। तो उनका बेसिकली कहना यह था कि राजनीति का काम है चीज़ों का निर्माण करना, संविधान का निर्माण करना या नियमों का निर्माण करना, लेकिन उसके क्रियान्वयन के लिए हमें लोक प्रशासन की ज़रूरत पड़ेगी उन चीज़ों के लिए। उन्होंने इसे चलाने के क्षेत्र के अध्ययन के रूप में बल दिया है, जैसे प्रशासन चलाने के क्षेत्र के अध्ययन के रूप में लोक प्रशासन क्षेत्र का, लोक प्रशासन विषय का जो विकास किया है उसके बारे में बात की है। राजनीति और प्रशासन में जो भेद बताया उन्होंने कि उनका एक कथन है कि संविधान का निर्माण करना सरल है परंतु इसे चलाना या लागू करना कठिन है। तो इस तरह से उन्होंने डिवाइड किया चीज़ों को। इस चरण के अन्य विचारकों में जैसे फ्रैंक गुडनाओ का नाम आता है, जो अमेरिका में थे। उन्होंने बेसिकली किताब लिखी थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अमेरिका, लेकिन जनरली कई बार उनकी किताबों का जिक्र आता है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं उसको। तो अमेरिका के बारे में बोला जाता है कि उन्होंने फ्रैंक गुडनाओ ने वहाँ के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को विकसित करने में बहुत योगदान दिया था, जिन्होंने 1900 में अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और यह तर्क प्रस्तुत किया कि राजनीति और प्रशासन अलग अलग हैं क्योंकि राजनीति राज्य की नीतियों का निर्माण है और प्रशासन उन नीतियों का क्रियान्वयन है। गुंडाओ ने भी बेसिकली सेम बात बोली थी। सन 1926 में एलडी वाइट की पुस्तक आई इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें प्रकाशित हुई थी 1926 में। वह लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक थी जिसने राजनीतिक प्रशासन के अलगाव में विश्वास व्यक्त किया और राजनीति और प्रशासन का अलग अलग अध्ययन किया। फिर आता है दूसरा चरण। दूसरा चरण की शुरुआत होती है 1987 से 1937 के बीच, इसको माना जाता है कालखंड, इसको माना जाता है 1927 से 1937 के बीच जो लोक प्रशासन विषय का जो विकास हुआ था उसके दूसरे चरण के रूप में इस पूरे कालखंड को माना जाता है। लोक प्रशासन के इतिहास में द्वितीय चरण का प्रारंभ
हम डब्ल्यू एफ बिलोबी की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मान सकते हैं। बिलोबी के अनुसार लोक प्रशासन में अनेक सिद्धांत ऐसे हैं जिनको क्रियान्वित करने में लोक प्रशासन की भूमिका है और जिनको और बेहतर तरीके से सुधारा जा सकता है। इस चरण को लोक प्रशासन का सिद्धांतों का काल कहा जाता है, इस दूसरे चरण को। बिलोबी की पुस्तक के बाद अनेक विद्वानों ने लोक प्रशासन पर पुस्तकें लिखने शुरू की, जिसमें मेरी पार्कर फलेट थी, हेनरी फ्योल थे, मूनी थी, रैले थे आदि आदि विद्वान शामिल थे। 1937 में लूथर गुलिक और उर्विक ने मिलकर लोक प्रशासन पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक का संपादन किया, जिसका नाम है पेपर्स ऑन साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें उन सभी सामान्य समस्याओं का जिक्र है और उसका अध्ययन है जो कि राजनीति शास्त्र के जो विद्वान थे और फिर उससे जो लोक प्रशासन अलग हो रहा था, तो उसमें जो समस्याएं पैदा हो रही थी, तो उन सबको सबके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई थी, गुलिक और उरिक ने मिलकर लिखी थी, जिसमें फिर जैसा कि हमारे कई सारे शिक्षार्थी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर को पता होगा, पोस्ट कार्प जो शब्द ईजाद किया गया था उन्हीं लूथर गुलिक की उसी किताब से आया था। और पोस्ट कार्प जो वर्ड था, पोस्ट कार्प उसी उसमें समाहित था उस बुक में उनके। द्वितीय चरण के इन सभी विद्वानों की यह मान्यता रही कि प्रशासन में सिद्धांत होने के कारण यह एक विज्ञान है और इसलिए इसके आगे लोक शब्द लगाना उचित नहीं है। सिद्धांत तो सभी जगह लागू होते हैं, चाहे वह लोक क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र हो। तो ये सब बहसों के बाद फिर तीसरे चरण की शुरुआत होती है। 1938 से शुरुआत होती है तीसरे चरण की, लोक प्रशासन का जो विषय का जो विकास हुआ है उसमें, और ये चलता है 1947 तक। लोक प्रशासन के सिद्धांत का जो तीसरा चरण था उसमें चुनौतियों का काल कहा जाता है। इस समय में लोक प्रशासन के सिद्धांतों को चुनौतियाँ दी गई, मुख्यतः अमेरिकी विद्वान जैसे हर्बर्ट साइमन थे उनके द्वारा लोक प्रशासन के सिद्धांतों को कहावते कहा गया। ये जनरली ये एग्जाम में एक प्रश्न ही पूछा जाता है कि किसने लोक प्रशासन के सिद्धांतों को कहावते या प्रोवर्ब्स की संज्ञा दी है। सन 1946 में हर्बर्ट साइमन ने अपने एक लेख में तथाकथित सिद्धांतों की हंसी या मजाक उड़ाया था। उन्होंने 1947 में एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर नाम की पुस्तक लिखी, जिसके अंतर्गत सिद्धांतों की उन्होंने उपेक्षा की या आलोचना की। इस विषय के चिंतन को आगे बढ़ाने में साइमन, स्मिथबर्ग और थॉमसन की जो बुक थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, चेस्टर बर्नार्ड की बुक थी फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव और हर्बर्ट साइमन की पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर को एक प्रमुख स्रोत के रूप में मानते हैं। फिर इसके बाद आता है चौथा चरण। चौथे चरण की शुरुआत होती है 1948 से लेकर 1970 के बीच। इस काल को पहचान के संकट के काल के रूप में माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस समय इस विषय के जो पहचान का संकट था वो पैदा हो गया था। इस समय में सबसे बड़ी समस्या थी लोक प्रशासन को पहचान दिलाने की या उसकी पहचान रखने की समस्या थी। इस काल में लोक प्रशासन को राजनीति से अलग न मानकर राजनीति का ही अलग भाग माना जाने लगा। फिर से वही बात शुरू हो गई थी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रशासन भी राजनीति का एक हिस्सा है। तथा लोक प्रशासन के सिद्धांतों को नकार दिया गया, इसकी कड़ी आलोचना की गई, जिनका जवाब उस समय के जो लोक प्रशासन के सिद्धांतकार थे और रचना करने वाले लोग थे उनके पास उसका जवाब नहीं था उन आलोचनाओं का। इस कारण लोक प्रशासन के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। इसी चरण में 1968 में प्रथम मिनोबुक सम्मेलन हुआ था। इस पर मिनोबुक सम्मेलन, प्रथम मिनोबुक सम्मेलन, द्वितीय मिनोबुक सम्मेलन, तृतीय मिनोबुक सम्मेलन तक हुए हैं। इस पर हम एक सेशन में तीनों पर चर्चा करेंगे विस्तार से कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो फिलहाल अभी इस चरण में देख लेते हैं कि इस चरण में मिनोबुक सम्मेलन की शुरुआत हुई थी और इस दौर में अमेरिकी समाज अशांति और अनिश्चितताओं के माहौल से गुजर रहा था। इन सब के खिलाफ युवा पीढ़ी के द्वारा जो समकालीन समस्याएं थीं उनके समाधान खोजने की कोशिश की जा रही थी। लोक प्रशासन में सुधार के लिए ही सन 1968 में प्रथम मिनोबुक सम्मेलन को आयोजित किया गया था, जिसमें नवीन लोक प्रशासन के विचार का समर्थन किया गया। और फिर 1971 का जो दौर आया, जो जिसे माना जाता है कि काफ़ी गौरवशाली दौर मान सकते हैं इसको, क्योंकि उस समय काफ़ी तरह से सुधार हुआ इस पूरे सब्जेक्ट में, इस पूरे विषय क्षेत्र में। 1971 के बाद लोक प्रशासन के अध्ययन में अभूतपूर्व उन्नति हुई। राजनीति शास्त्र के अलावा अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र आदि के विद्वानों ने भी इसमें रुचि लेना प्रारंभ किया, जिसके फलस्वरूप प्रशासन अंतर विषयी मतलब इंटरडिसिप्लिनरी बन गया। इस समय में लोक प्रशासन की अन्य विषयों से तुलना कर विश्लेषण निकाला जाने लगा और इसी दौर में दूसरे मिनोबुक सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था।
स्वरूप नवीन लोक प्रबंधन का उदय हुआ इसी के साथ, जब दूसरा अभिनव सम्मेलन हुआ था। इसके साथ कई सारे कॉन्सेप्ट जुड़े थे कि मतलब कि जो प्रासंगिकता वगैरह के सवाल थे इस सब्जेक्ट के, कि प्रासंगिकता है कि नहीं है, तो बेसिकली इन सब चीज़ों में बात हुई और लोक नीति, लोक प्रबंधन, इस तरह के कॉन्सेप्ट ईजाद किए गए। और उसी के साथ साथ जब लोक प्रबंधन का जो प्रादुर्भाव हुआ, लोक प्रबंधन के कॉन्सेप्ट का, उसके साथ ही साथ अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था का ग्लोबलाइजेशन, बाजार की शक्तियों का संवर्धन, हस्तक्षेप की नीति का विकास और इन सब चीज़ों पर जोर दिया गया तथा प्रतियोगी अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया। तो स्टूडेंट्स, ये आज के सेशन में जो हमने टॉपिक कवर किया, लोक प्रशासन का विकास, लोक प्रशासन के विषय का विकास, और इसके बाद हम इसके अगले चरण में प्रवेश करेंगे, तो हम विनोद बुक सम्मेलन के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।